श्रीगंगानगर में कल 14 अगस्त को फहराया जाएगा 110 फीट ऊंचा तिरंगा, हर मौसम को झेलकर बढ़ाएगा इलाके की शान। श्रीगंगानगर में दूर दूर तक दिखाई देने वाला तिरंगा कल मंगलवार सुबह 9:30 बजे फहराया जाएगा। विशेष किस्म के कपड़े से बना यह तिरंगा सर्दी गर्मी बारिश आंधी और तूफान को झेलकर लंबे समय तक गंगानगर की शान बढ़ाएगा। यूआईटी ने सुखाड़े सर्कल स्थित भारत माता चौक पर इस तिरंगे की स्थापना करवाई है। आज सोमवार शाम को तिरंगे के पोल को क्रेन की सहायता से खड़ा किया गया। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। यूआईटी अध्यक्ष संजय महिपाल ने बताया कि 110 फीट ऊंचे पोल पर तिरंगा 14 अगस्त को सुबह फहराया जाएगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, सांसद निहाल चंद, विधायक कामनी जिंदल, जिला कलेक्टर ज्ञानाराम, पुलिस अधीक्षक योगेश यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहेंगे। महिपाल ने बताया कि तिरंगे का साइज 20x30 फीट रहेगा। ये राष्ट्रीय ध्वज कल 9:30 बजे सुखाड़िया सर्किल भारत माता चौक पर स्थापित किया जाएगा। 110 फीट इसकी हाइट रहेगी। झंडे का जो साइज है वो 20x30 फीट का रहेगा। बहुत बड़ा झंडा है और ये स्थायी रहेगा। रात्रि के अंदर इसके अंदर लाइटों से रोशनी रहेगी। झंडे का जो कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रहता है, जिससे कि बहुत तेज हवा, धूप और बारिश से वो सुरक्षित रहता है। इसको बदलने के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम रहता है। दो झंडे 24 आवर्स इसके लिए सुरक्षित रखे गए हैं। कभी भी कोई इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो झंडा जो है तुरंत बदलने के लिए दो झंडे जो सुरक्षित रहेंगे वो लग जाएंगे। इस झंडे के लगने से पूरे गंगानगर शहर के अंदर एक देश प्रेम की भावना, जब वो कोई भी व्यक्ति उसके आगे से निकलेगा तो निश्चित तौर पर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और उसका सीना जो है वो देशभक्ति के प्रति जो है वफादारीता का एक निशानी शो करेगा। गंगानगर के अंदर एक बहुत बड़ा विचार ये दिमाग में था कि ऐसा झंडा हमारे यहाँ लगे, ताकि सुंदरता तो बड़े ही बड़े, जो हमारे बच्चे इधर उधर से आते हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको देखने के लिए कोई एक अच्छी जगह मिले, तो निश्चित तौर पर हमारा जो मीच का सेंटर है भारत माता चौक, ये देखने लायक दर्शनीय स्थल बन जाएगा। तिरंगे के सम्मान में तमाम नियमों की पालना की जाएगी। इसके लिए न्यास के अधिशासी अभियंता को प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्त किया गया है।